जयंती किचन को ही आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, समर का सीजन आ चुका है और मार्केट में बहुत सारी कच्ची कैरिया भी आ चुकी है और कच्ची कैरिया का आज मुरब्बा बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले जान लेते हैं इसके फायदे। तो फ्रेंड्स, जो कच्ची कैरी होती है इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम से भरा होता है और इसके सेवन से आपकी पाचन और गैस की समस्याएं दूर होती है। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी प्रीसियस टाइम लेट्स स्टार्ट। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने 800 ग्राम कच्ची कैरी ली है और नाइफ से ऊपर के मैंने पार्ट को हटा लिया है और पिलर से मैंने इसके सारे छिलके को इस तरह से उतार लेनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे ढेर सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये देखिए, हमारी कच्ची कैरिया इस तरह से हम इसके छिलके को उतारते जा रहे हैं और हमने सारे छिलके को उतार लिए हैं और उसके बाद इसके इस तरह से कट करने हैं छोटे छोटे पीसेस। तो मैंने नाइफ की हेल्प से इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेनी है। पीसेस थोड़े बड़े होने चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है, इसे मैंने बाउल में रख लिया है और मैं यहाँ पे एक छोटी सी हैक आपको बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, पूरे वीडियो को वॉच करें। और इधर मैंने स्टील के बर्तन में मैंने 2 कप पानी डाल दिया है और मुरब्बे को फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें 2 तेज पत्ता डाल दिया है और स्पून से मैंने इस तरह से चला देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास केसर नहीं है तो यहाँ पे आप हल्दी डाल दीजिएगा, ये बहुत ही टेम्पटिंग कलर देता है और लाइट येलो कलर का बन जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे लीड लगा देनी है और इसे हाफ बॉइल्ड करनी है। तो ये देखिए, बीच बीच में मैं लीड को हटाते जा रही हूँ और इसे मैं स्पैचुला से या फिर स्पून से इस तरह से चेक करते जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे जो है कैरी के मुरब्बे इस तरह से हाफ बॉइल्ड हो गए हैं। स्पून से मैं जब कट कर रही हूँ तो ये कट हो जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज में आप स्टेनर से एक बाउल में इस तरह से सारे कैरिया को निकाल लेनी है। तो मैंने निकाल लिया है एक बाउल में और यहाँ पे हमने 500 ग्राम डेट मीन्स हाफ केजी चीनी मैंने यहाँ पे लिया है। तो फ्रेंड्स, चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो, बट इस तरह से जो है परफेक्ट मेजरमेंट है और मैंने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रहने देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसे चला दिया है। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर लीड लगा दिया है और आधे घंटे के लिए मैंने रहने दिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी टेम्पटिंग कलर आई है और मेरी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स ये देना चाहूंगी कि किसी भी मुरब्बे को बनाने के लिए आप स्टील का बर्तन यूज कीजिएगा, उसमें आपके मुरब्बे अच्छे बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे लोहे के या फिर एल्युमिनियम के बर्तन नहीं यूज करने हैं, क्योंकि इसमें क्या बहुत ही मात्रा में विटामिन सी होती है। तो फ्रेंड्स, विटामिन सी भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है और यहाँ पे हमने टर्मरिक भी यूज किया, से भरपूर बनने वाला है ये मुरब्बा। तो ये देखिए, मैंने सारे मुरब्बे को स्टील के बर्तन में इस तरह से मैंने डाल देनी है और यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है और इस तरह से चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो चीनी की चाशनी है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, उसके बाद हमारे मुरब्बे तैयार हो जाते हैं और थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए। बस इस स्टेज में हमारे जो मुरब्बे होते हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में इसी तरह से मैं चलाती जा रही हूँ और ये देखिए, हमारी चीनी की चाशनी धीरे धीरे इस तरह से मुरब्बे में पकती जा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और बहुत सारे स्नैक्स, डिनर और स्वीट्स की रेसिपी हमारे चैनल पे है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप वहां से जाके देख सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मुरब्बे कुछ इस तरह से बन के तैयार हो रहे हैं और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, ये देखिए हाफ तार बन रहा है, डेट मीन्स थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए और हमारे मुरब्बे बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस 2 मिनट में हम और इस मुरब्बे को फ्रेंड्स आप रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ अपने बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, बहुत ही टेम्पटिंग लगने वाली है। और हमारे घर में तो मेरी बेटी को भी पसंद ही नहीं था और जब हमने इसे बनाया तो हमारे हस्बैंड को भी और हमारी बेटी को भी बहुत पसंद आया। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने इस तरह से सर्व किया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जैसे किशमिश या काजू। मैंने इसे काजू से डेकोरेट किया है और ये देखने में बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही अच्छी लग रही है। और इसे स्टोर करने के लिए फ्रेंड्स आप कांच का बर्नी या फिर कांच की बाउल में ही इसे आप स्टोर, ये आराम से 6 to 8 मंथ रह जाती है फ्रेंड्स। तो ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक नई हेल्दी टेम्पटिंग रेसिपी के साथ जयंती किचन कुक में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।